हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई आलू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल है ये सब्जी। तो आज का ये वीडियो बिना स्किप करे मेरे साथ एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो और बनाते हैं मलाई आलू। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चार बड़े आलू ले लिए हैं जिनको मैंने चार पीसेस में कट कर लिया है। मतलब हमने यहाँ पे एक आलू के चार टुकड़े किए हैं। इन आलू को अब हम कर लेंगे ब्लांच, क्योंकि हमें इसे 80% ही कुक करना है। कुकर में सीटी मत लीजिएगा। पानी में एक चम्मच जितना नमक डालिए। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन आलूओं को कुक होने दीजिए। अब जब तक हमारे आलू ब्लांच हो रहे हैं, कढ़ाई में आप ले लीजिए 2 चम्मच जितना तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच जितना जीरा और हम डाल देंगे 4 से 5 पुतली लहसुन की। यहाँ पे मैं साबुत लहसुन डाल रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन को रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 2 मीडियम रफली चॉप प्याज और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच जितने मस्कमेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। सारी चीज़ों को हम कुछ 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, तब तक जब तक हमारे ये जो प्याज है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। जैसे ही आपका मसाला कुक हो जाएगा, गैस की फ्लेम को बंद करके इसे आप ठंडा होने दीजिए। यहाँ पे हमारे आलूओं को भी 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये 80% कुक हो गए हैं। ओवर कुक ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं और आलूओं को होने देते हैं हम ठंडा। अब जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, आप कढ़ाई में ले लीजिए 1 चम्मच इतना तेल और इन आलूओं को हमें कर लेना है शैलो फ्राई। आप चाहें तो आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप 1 चम्मच तेल में भी इन आलूओं को फ्राई कर सकते हैं। हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और सब साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। यहाँ पे हमारा जो प्याज का जो मिक्सचर था ना, वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इनको हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 10 से 12 काजू, 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर पानी और 10 से 15 मैं डाल दूंगी इसके अंदर मूंगफली के दाने। यहाँ पे मैं कच्चे मूंगफली के दाने ले रही हूँ। आप चाहें तो मूंगफलियों को भून के और उनके छिकल निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन लगा के हमें इसका एकदम थिक सा पेस्ट रेडी कर लेना है। जैसे ही आपका पेस्ट रेडी हो जाए, इसको आप रख दीजिए साइड में। यहाँ हमने जो आलू शैलो फ्राई होने रखे थे वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और सब साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल देंगे दूसरे पैन में और सेम कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 चम्मच जितना तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे 10 से 15 पुतली लहसुन की, वो भी बारीक कटी हुई। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे लहसुन को कूट के या फिर पेस्ट बना के नहीं डालना, हमें यहाँ पे चॉप करके ही डालना है। हमें इसे तब तक भून लेना है जब तक हमारा जो लहसुन है ना, वो एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही आपका लहसुन पक जाए, इसके अंदर आप डाल दीजिए आपका तैयार किया हुआ काजू प्याज मस्कमेलन वाला पेस्ट। गैस की फ्लेम को लो रख के हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जैसे ही 3 मिनट के लिए आपका मसाला कुक हो जाएगा, इसके अंदर आप डालिए आधी चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी और मैं डाल दूंगी आधी चम्मच जितनी शुगर। मलाई आलू है तो थोड़ी सी मिठास तो बनती है। ध्यान रखिए, हम यहाँ पे जो सब्जी बना रहे हैं उसकी हमें व्हाइट ग्रेवी चाहिए, इसलिए हल्दी और लाल मिर्च का उपयोग बिल्कुल मत करिएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल के सारी चीज़ों को आप कर दीजिए अच्छे से मिक्स और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी आधी कटोरी जितना पानी और इसको हम कुक होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये सारा पानी सूख के ये ग्रेवी थिक नहीं हो जाती और तेल नहीं छोड़ देती। जैसे हमारा यह मसाला तैयार हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे शैलो फ्राई किए हुए आलू। इनको हम अच्छे से इस वाइट ग्रेवी में कोट कर लेंगे और आप देखेंगे कि हमारी ये जो सब्जी है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होने वाली है। जैसे ही आपके आलू ये वाइट ग्रेवी में कोट हो जाए ना, आप डालिए इसके अंदर 2 चम्मच जितनी अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, आपको 3 चम्मच जितनी मलाई लेनी होगी। जैसे ही आप फ्रेश क्रीम या मलाई डालेंगे ना, आपकी सब्जी का कलर, टेक्सचर और टेस्ट तीनों ही बदल जाएंगे और ये सब्जी आपको रेस्टोरेंट की याद दिला देगी।
तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए और इंजॉय करिए क्रिस्पी करारे या लच्छे पराठों के साथ। तो इस मलाई आलू रेसिपी को घर पर ट्राई करिए। आपका फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करिए कि ये मलाई आलू आपको और आपकी फैमिली को कैसे लगे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फूड रेसिपीज़।